हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। फ्रेंड, एक और बार आ गया हूँ आपके लिए न्यू वीडियो लेकर। इस वीडियो में आपको मैं डेकोरेशन लाइट बना के दिखाऊंगा, क्योंकि फ्रेंड दिवाली बहुत ही नज़दीक है। तो आपके लिए मैं इस वीडियो में एक डेकोरेशन लाइट किस तरीके से बनाई जाती है तो वो सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर डेकोरेशन लाइट बनाने के लिए मैं कुछ गिट्टों का यूज़ कर रहा हूँ। फ्रेंड, ये हमारे कैबिनेट होते हैं जो एम्पलीफायर कैबिनेट, इसके नीचे लगाए जाते हैं, तो इनका यूज़ करके डेकोरेशन लाइट बनाऊंगा। यहाँ पर 10 पीसीस मैं ले रहा हूँ आपके आरजीबी लाइट के। तो फ्रेंड, यहाँ पर चलिए इस तरीके से बनाई जाती है। कोई भी अगर आप एलईडी ले रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आरजीबी एलईडी ली है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। फ्रेंड, आरजीबी एलईडी का जो फ्रेंड इफ़ेक्ट है वो बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्ट होता है इस एलईडी का। इसके अंदर 7 कलर बनते हैं आपके, इस तरीके से ये ग्लो होती है। मैंने देख रही कितनी बढ़िया लाइट लग रही है, एकदम इंटरेस्टिंग और एकदम बढ़िया शानदार लग रही है। तो इसको मैं इस तरीके से लगाने वाला हूँ। ये दो पीसीस के बीच में जो अपनी एलईडी लाइट है 5 mm की है फ्रेंड, इस तरीके से यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं लगा दूँगा। तो फ्रेंड, इसको अच्छी तरीके से ग्लूगन की मदद से चिपकाने वाला हूँ मैं यहाँ पर। आप किसी की मदद से भी चिपका सकते हैं। एंड यहाँ पर इस तरीके से एलईडी को फोल्ड कर दूंगा ताकि जो एलईडी है वो यहाँ पर रुक जाए। तो फ्रेंड, इसी तरीके से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से ये ग्लो होगा। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से ये ग्लो होगा और बहुत ही शानदार लगेगा। तो फ्रेंड, चलिए यहाँ पर मैं इसी तरीके से काफ़ी सारे पीसेस बना लूँगा। कम से कम मेरे को 10 पीस बनाने हैं इसी पे, जो कि हमारा अच्छे से जो झालर है वो बन जाए। तो फ्रेंड, चलिए यहाँ पर मैं अच्छे से, तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये 10 पीसेस तैयार कर लिए हैं इसके। एंड यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसको वायर में कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर मैं ये ले रहा हूँ, वायर ले रहा हूँ फ्रेंड, ये कॉपर वायर है, मजबूत वायर लेना है आपको, कोई भी जो लेना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर इसको कनेक्ट करना है, ये जो 10 पीसेस हैं एलईडी के, अच्छी तरीके से हमें कनेक्ट कर देने हैं। अब यहाँ पर हमें जो है, आप ले सकते हैं यहाँ पर 6-6 इंच का गैप ले सकते हैं। 6-6 इंच के गैप के साथ यहाँ पर इस तरीके से कट लगा के और एक एक पीसी से एलईडी का अटैच कर देना वायर में, अच्छी तरीके से सोल्डिंग भी कर देनी होगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर अच्छी तरीके से हमें कट लगाना है। तो फ्रेंड, चलिए जल्दी जल्दी से कट लगा के और जो हमारी एलईडी हैं इनको यहाँ पर हम जो 10 की 10 पीसीस हैं अच्छी तरीके से सोल्ड कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा जो आप देख सकते हैं सोल्डिंग मैंने कर लिया, कटर की मदद से हमें जो एक्स्ट्रा लैग है वो एलईडी की कट कर लेनी है। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो भी हमें ध्यान से काम करना है बिल्कुल, ताकि आप अपने आप को हार्म ना कर लें। तो फ्रेंड, यहाँ पर चलिए मैं वायर को अच्छे से छील लेता हूँ और आपको टेस्ट कराता हूँ कि किस तरीके से जो हमारी एलईडी है वो ग्लो हो रही है और किस तरीके से हमारी जो एलईडी बन के है, जो हमारी डेकोरेशन लाइट बन के किस तरीके से बढ़िया लगेगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए किस क्या बढ़िया लुक आ रहा है इसका। अभी फ्रेंड हमने एक ही लगाई है और आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये बढ़िया डेकोरेशन लगेगी। कैमरे की मदद से आपको देख नहीं पा रहा होगा क्योंकि कैमरा ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाता लाइट को। तो फ्रेंड, चलिए यहाँ पर मैंने ऐसे 10 पीसीस अपने अटैच कर लिए हैं इस वायर से। आपको भी इसी तरीके से सोल्डिंग की मदद से वायर के साथ इन पीसीस को अटैच कर लेने हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमें क्या करना है, अब ग्लू गन की मदद से जो भी एलईडी है हमें अच्छे से चिपका देनी है। और यहाँ पर जो कि दूसरी लैग होती है, जिसे कि यहाँ पर गिट्टी कहते हैं, ये चिपका देनी है, अच्छी तरीके से चिपक जाएगी। एंड उसके बाद हमें सारे जो भी 10 पीसीस हैं इसी तरीके से अच्छे से चिपका लेनी है और अच्छे से सुखा देनी है इसे।
फ्रेंड यहाँ पर मैंने एक जैक ले लिया है जो कि इस एलईडी से मैं कनेक्ट कर दूंगा इसको पावर देने के लिए। यहाँ पर मैं पावर दूंगा इस एलईडी को, सॉरी इस जैक की मदद से, इस जो झालर है, जो भी हमारी डेकोरेशन लाइट है, उसे मैं पावर देने वाला हूँ। और यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें माइनस प्लस का ध्यान रखना है, माइनस वाला जो वायर है वो माइनस में ही लगाना है। एक बार आप इसमें जो चार्जर है अपना वो लगा कर देख सकते हैं कौन सी लैग जो चार्जर की जो हमारा जैक है उसकी प्लस है और कौन सी माइनस है। वैसे आप जैक में जो हमारी बड़ी लैग होती है वो प्लस की होती है और जो छोटी छोटी लैग होती है वो माइनस की होती है, बिल्कुल एलईडी की तरह जैसे कि एलईडी। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें जैक को कनेक्ट कर देना है अपने चार्जर से एंड आप देख सकते हैं उसके बाद जो हमारी एलईडी है वो किस तरीके से ग्लो करने लगी है और जो हमारी डेकोरेशन लाइट है वो कितनी शानदार लग रही है। आपको आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। देखिए अब मैं आप लाइट ऑफ करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये शानदार लग रही है एकदम। कैमरे में वो कैप्चर नहीं हो पाते हैं जो कलर हैं एलईडी के, बट अगर आप सामने से देखेंगे तो फ्रेंड बहुत ही शानदार लगेगी ये। तो फ्रेंड इसी तरीके से आप घर पर कोई भी एलईडी लाइट आसानी से बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। फ्रेंड आपको मार्केट से भी बहुत कम प्राइस में ये आपके घर पर बन जाएगी और आप देख सकते हैं कितनी शानदार लगेगी। ये मैंने 10 पीसेस की बनाई है, आप घर पर 20 पीसेस या 30 पीसेस की भी बना सकते हैं। एंड चलिए फ्रेंड वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब।